हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल गाइस। 25 मई 2021 को पेटीएम ने ऑफिशियली अपना फिजिकल वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। काफी सारे लोग मुझे आईजी पे मैसेज कर रहे थे कि भाई इस पे वीडियो बनाओ, क्या हमें फिजिकल वीजा डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं, सारा प्रोसेस आप बताइए, कैसे ऑर्डर करना है, क्या चार्जेस हैं। तो वही वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखना और मैं अपना भी रेफरेंस आपके साथ शेयर करूंगा, ओपिनियन भी शेयर करूंगा लास्ट में कि क्या आपको ये कार्ड ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। फिजिकल वीजा कार्ड ऑर्डर करने से पहले इसके फीस एंड चार्जेस के बारे में बात करते हैं। अगर आप कार्ड ऑर्डर करते हैं फर्स्ट टाइम के लिए तो आपको 250 रुपीज का चार्ज देना होगा। ये चार्ज सीधे आपके पेटीएम पेमेंट बैंक से कट कर लिया जाएगा। अगर आप इस कार्ड को कंटिन्यू रखते हैं, एक साल तक के लिए यूज करते हैं, तो इसका जो एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस रहेगा 150 रुपीज रहेगा। आपका कार्ड इन केस कहीं खो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है और आप इसे रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, तो इसके लिए जो चार्ज है 250 रुपीज ही है। तो सेम चार्ज रुपए फिजिकल कार्ड के भी हैं और सेम चार्ज वीजा फिजिकल कार्ड के हैं। दोनों के सेम रेट्स एंड चार्जेस हैं। आप इसकी वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको कार्ड कैसे ऑर्डर करना है पेटीएम के अंदर। तो आपको सिंपली पेटीएम ओपन कर लेना है, अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पास पेटीएम ओपन कर लिया। आपको कहीं नहीं जाना है, पेटीएम बैंक वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पास आपका बैंक खुलने लगेगा, आपसे पासकोड पूछेगा, आपको 4 डिजिट का पासकोड एंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करेंगे आपका बैंक खुल जाएगा, सारी डिटेल्स दिखेंगी और आपको आपका वर्चुअल कार्ड दिखेगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास वर्चुअल वीजा का कार्ड शो हो रहा है, नंबर वगैरह दिख रहा है। अगर आपने अभी तक अपने रुपे कार्ड को वर्चुअल वीजा कार्ड में अपग्रेड नहीं किया है तो सबसे पहले वो वाली वीडियो देखिए, कैसे आपको अपग्रेड करना है, मैंने प्रोसेस बताया, तभी आप नया कार्ड ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। तो आपको अपने वर्चुअल कार्ड पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने 4 ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आपको यहाँ पास रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड वाले सेक्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो मैं रिक्वेस्ट एटीएम कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पास मेरा एड्रेस आ चुका है, कार्ड का रेट्स एंड चार्जेस दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कार्ड इंश्योरेंस फीस 250 रुपीज यहाँ पास शो कर रहा है। मेरे कार्ड का नेम आ रहा है, कार्ड पे क्या नेम रहेगा, नंबर क्या रहेगा, सारी चीज़ें दिखा रहा है और एड्रेस भी दिखा रहा है कि किस एड्रेस पे डिलीवर होगा। आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। गाइस, अगर आपको एड्रेस चेंज करना है तो आप सिंपली ऐड न्यू वाले सेक्शन पे जाइए और जो भी एड्रेस आप लगाना चाहते हैं वहाँ का कुछ प्रूफ आपको ऐड करना हो, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, तभी आप न्यू एड्रेस लगा पाएंगे। नहीं तो आपका जो भी आधार कार्ड पे एड्रेस रहेगा उसी एड्रेस पे आपका कार्ड आएगा। तो गाइस, मुझे एड्रेस बिल्कुल नहीं चेंज करना, मेरा बिल्कुल सेम है, मैं इसी एड्रेस पे अपना कार्ड मंगाना चाहता हूं। तो मैं सिंपली ऑर्डर प्लेस सेक्शन पे जाऊंगा और प्रोसीड टू पे 250 रुपीज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने क्लिक किया मुझसे पासकोड पूछेगा, मैं अपना पासकोड एंटर कर देता हूं और प्रोसीड टू पे किए दे रहा हूं। तो गाइस, सक्सेसफुली कार्ड जो है प्लेस हो चुका है और 250 रुपीज मेरे पेटीएम बैंक से कट हो चुके हैं और ये कार्ड सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। अगर आपको अपना ऑर्डर ट्रैक करना है तो सिंपली आपको फिर से जाना है बैंक वाले सेक्शन पे, आपको अपने वर्चुअल कार्ड पे टैप कर देना है और आपको आपका कार्ड का जो स्टेटस है वहाँ पर शो हो जाएगा। क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस डेट पे आपने ऑर्डर किया था, कब तक में ये डिलीवर्ड होगा, सारी चीज़ें दिखा रहा है। गाइस, जो ये कार्ड है मैंने 30 मई को ऑर्डर किया है, ये डिलीवर्ड होगा 10 से 15 दिन में डाक सेवा द्वारा आएगा। जो भी डाक की सेवा होती है कुरियर, उसके द्वारा आएगा तो आपको भी मिल जाएगा, आपके घर पहुंचा देगा डाकिया। तो गाइस, कैसे आपको कार्ड ऑर्डर करना मैंने आपको बता दिया। अब ये कार्ड मैं इसलिए ऑर्डर कर रहा हूं क्योंकि मुझे दिखाना था सारी प्रोसेस और ये जो कार्ड आएगा इसका मैं अनबॉक्सिंग करूंगा, रिव्यू करूंगा। जस्ट मैं वीडियो बनाने के पर्पज से कर रहा हूं, इसको मैं यूज नहीं करूंगा। कार्ड आ जाएगा, वीडियो बन जाएगी, उसके बाद मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा क्योंकि मुझे चार्ज वगैरह नहीं देना है। गाइस, अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की कि क्या आपको पेटीएम का वीजा कार्ड ऑर्डर करना चाहिए कि नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तो बिल्कुल ऑर्डर ना करता। अभी मैंने ऑर्डर किया टेम्परेली वीडियो बनाने के लिए, जैसे कार्ड रिसीव होगा इसकी अनबॉक्सिंग भी दूंगा, उसके बाद ब्लॉक करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। तो लिटरली अगर मैं आपकी जगह होता तो बिल्कुल ना करता। इसका सिंपल सा रीजन है, मेरे पास फिजिकल बैंक अवेलेबल हैं जिन पे मुझे डेबिट कार्ड यूज करने के कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। मैं फिजिकल कार्ड यूज करता हूँ, मुझे कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। मेरे पास वीजा का भी कार्ड है, रुपए का भी कार्ड है, तो मैं बिल्कुल ऑर्डर नहीं करूँगा, ना ही इसको कंटिन्यू रखूँगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये कार्ड किनको ऑर्डर करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास केवल बैंक के नाम पे पेटीएम पेमेंट बैंक है और इसे ही आप यूज करते हैं तो आप बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई दूसरा बैंक नहीं है।
इवन आपके पास अगर फिजिकल बैंक है, रुपए कार्ड भी है फिजिकल का किसी दूसरे बैंक का, तो आप इसको ऑर्डर मत करिए। पेटीएम से कोई भी कार्ड ऑर्डर मत करिए, चाहे वो रुपए का हो या फिर फिजिकल वीजा का हो, कोई भी कार्ड ऑर्डर मत करिए, क्योंकि इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं और आप फिजिकल बैंक के साथ जा सकते हैं। पेटीएम का यूज केवल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए कीजिए, इनके वर्चुअल कार्ड का यूज करिए, मैं यही सजेशन देना चाहता हूँ। आप अपना ओपिनियन नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये था मेरा थॉट्स, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अस्तला बीस्ता।